उसको शेल्टर होम मत कहिए, उसको कहिए सेक्स होम, नेता के लिए डिलीवरी होम, नेता के लिए सेल होम कहिए। तो वंदना को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे ना, वंदना का तो ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ है, मंत्री का हाथ है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर बिहार की बात किया जाए जो कंप्लेन करता है वह सबसे बड़ा दोषी है। नहीं नहीं, कुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार आप गांजा पिए, क्योंकि उनका भी उम्र हो चुका, कहावत है 60 के बाद सठिया जाता है, तो नीतीश कुमार आप सठिया गए, क्योंकि यह सरकार गुंडा राज की सरकार है। और मैं नीतीश कुमार को एक बात की चेतावनी देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, जो आपका हाथ में जो दांत है उसको मैं पुरुषोत्तम कुमार कड़ुआ तेल लगाकर नहीं खींच लिया तो फिर बिहार का बेटा नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। बीते दिनों अगर बात कर ले तो शेल्टर होम का मामला निकल के आया सामने, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी नीतीश कुमार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है और नहीं किसी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार जमीनी विवाद हो या फिर तमाम अन्य मुद्दा उसको लेकर हत्या, और इसी बीच आपको हम बता दें कि जाप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा किया है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने। इसी बीच हमारे साथ अभी जाप के युवा नेता हैं पुरुषोत्तम से बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। क्या कहिएगा पुरुषोत्तम, लगातार हत्या? देखिए, हत्या तो बिहार में ही गुंडा राज चल ही रहा है, तो जिसका हीरो है नीतीश कुमार या बिलेन कहिए नीतीश कुमार, तो गुंडा राज में क्या होता है, कोई फिल्म देखते हैं तो वहाँ पे गुंडा का राज चलता है। तो इस बिहार में हीरो को आने के लिए पप्पू यादव जैसे नेता को आना जरूरी है। और शेल्टर होम की बात करें, उसको शेल्टर होम मत कहिए, उसको कहिए सेक्स होम, नेता के लिए डिलीवरी होम, नेता के लिए सेल होम कहिए, क्योंकि वो शेल्टर होम का यहाँ पर सेल हो गया। देख रहे हैं दिन दहाड़े नेता के आवास पर जाती है लड़कियाँ, सफाई होती है, वो लड़कियाँ कौन है जिसके माता पिता नहीं है, जिसका माता पिता ना हो उसके साथ ये सरकार सेक्स कर सकता है, तो सोच लीजिए जनाब बिहार की क्या स्थिति होगा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं ये? अरे आरोप कौन लगा रहा है, आरोप तो लड़की खुद सिद्ध कर रहा है ना जिसपे हुआ। अच्छा, ये नेता पर आरोप हम खुद लगा रहे हैं, तो कैसे फंसा मुजफ्फरपुर कांड में? मुजफ्फरपुर कांड में कौन गया जेल? नेते जी ना गए हैं। तो ये साफ है कि जो शेल्टर होम है वह व्यापार के रूप में, शारीरिक व्यापारी के रूप में है। तत्काल इस पर राष्ट्रपति को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल को भी एक्शन लेने से ये काम होने वाला नहीं। इस पर राष्ट्रपति तत्काल जारी करे और ये राष्ट्रपति के अंदर में चले, क्योंकि बिहार सरकार इसे अपना खुशी के लिए चला रहा है। जब किसी नेता को चाहिए रंगरसिया मनाने के लिए, आओ उठो शेल्टर होम से दो लड़की को बुला लो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वंदना गुप्ता पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, टीम भी गठित किया गया लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। जो वंदना गुप्ता है वो तो दलाली के काम करते हैं, तो उसमें जब वंदना गुप्ता जेल जाएगी तो बिहार के कई अधिकारी और कई नेता भी जेल जाएंगे, इसलिए वंदना अधिकारी को चुपचाप छोड़ा हुआ है। वंदना जो है उनका काम ही है कि कौन नेता के पास कौन लड़की को भेजना है, कौन अधिकारी के पास कौन लड़की को भेजना है, क्योंकि वंदना के अंदर ये चल रहा है सेल्सर होम, सेल्स होम या व्यापार हो, तो वंदना को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे ना, वंदना के तो ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ है, मंत्री का हाथ है, अधिकारी का हाथ है, प्रशासन का हाथ है, तो वंदना को आप और हम भेज दीजिएगा, अगर आप और हम आवाज़ उठाइएगा तो हमें यह सरकार जेल भेज देगी, क्योंकि वर्तमान समय में अगर बिहार की बात किया जाए जो कंप्लेन करता है वह सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि हमने भी बिहार की जो नीतीश कुमार की सरकार है उनकी सरकारों में कई कंप्लेन किया, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो कि हमने सबसे बड़ा पाप कर दिया। कंप्लेन करना बिहार में पाप करने के बराबर है। अगर इस खबर को आप चलाइएगा तो आपको भी प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि तमाम जो छोटा छोटा चैनल है वो खबर चलाता है उस पर मुकदमा हो चुका है। तो ना आप बचिएगा ना हम बचेंगे, क्योंकि यह सरकार गुंडा राज की सरकार है। और मैं नीतीश कुमार को एक बात की चेतावनी देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, जो आपका हाथ में जो दांत है उसको मैं पुरुषोत्तम कुमार कड़ुआ तेल लगाकर नहीं खींच लिया तो फिर बिहार का बेटा नहीं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, पहले क्राइम होता था लेकिन अब क्राइम जो है वो घट गया है, नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर उनका सुशासन की सरकार है तो दरभंगा में 53 मर्डर, गया में आप देखे महिला लोग के साथ पीछे, यानी कि तालिबानी रुतबा अपनाया जाता, कहाँ सुशासन की सरकार है, ना वहाँ का DSP सस्पेंड, ना थाना प्रभारी सस्पेंड। तो ये नीतीश कुमार का मुंह बड़ाई सुशासन की सरकार है, ये बिहार में अभी सबसे ज़्यादा गुंडा राज की सरकार की बात किया जाए तो वह बिहार ही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दावा सड़ा। नहीं, ये कुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार आप गांजा पिए
क्योंकि उनका भी उम्र हो चुका, कहावत है 60 के बाद सठिया जाता है, तो नीतीश कुमार अब सठिया गए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, जो आपके युवा नेता थे, तमाम मुद्दे पे बात किया है हमने, लगातार बिहार में आपराधिक घटना हो रही है लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगा रहे थे युवा नेता थे जो आपके पुरुषोत्तम, कह रहे थे कि लगातार बिहार में घटना हो रही है, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, सरकार के मंत्री मिले जुले हैं इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है बंदा गुप्ता पे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।